वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने आर्म रेसलिंग के इक्विपमेंट लाए थे, तो सोचा कोई वीडियो बना के डालते हैं। काफी टाइम से वीडियो डाली नहीं है, बताते हैं कैसे एक्सरसाइज करनी, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, टेस्ट करते हैं आज। हमने एक वन ग्रिप लगाई थी और ये जो ऊपर वाला हमने किया, ये जो ऐसे वाली एक्सरसाइज की थी, ऊपर से ये प्रोनेशन की है और ये वाली प्रोनेशन की और ये वाली डीप हुक की है। इससे हम दो एक्सरसाइज ट्रेन कर सकते हैं। इसका नाम है सेंटर ग्रिप और इससे हमारी फिंगर जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। लेने में या प्रोनेशन जो भी आप कर रहे हो उसी के लिए जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आप कपिंग भी कर सकते हो, प्रोनेशन भी कर सकते हो, सबके लिए आपको काम आएगी। इसको बोलते हैं एंटी टॉप रोल। और जो भी प्रोनेशन प्लेयर होते हैं, टॉप लेवल प्लेयर, तो जो टॉप रोल खेलेगा उसके अगेंस्ट ही यूज होगी, इससे हम स्टील कर सकते हैं। इस ग्रिप को हम कहते हैं अल्ट्रा ग्रिप और ये हमें पाम कपिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे हुकर होते हैं ना वो यूज करते हैं उसको। हुकर के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। ये सिर्फ हुक प्लेयर जो होता है सिर्फ उसी को काम आएगी, है जिसको हम फैट ग्रिप भी कह सकते हैं। इससे कपिंग भी ट्रेन हो जाएगी, जो हुक के लिए उसके लिए भी ट्रेन हो जाएगी, दोनों बेनिफिट है इसके। आज हो गया वर्कआउट हमारे पास, जो था आर्म रेसलिंग का इक्विपमेंट ये इतना ही था सारा। अब हम जो राइजर की ट्रेन कर रहे हैं वो किसी की जिम में ऐसा इक्विपमेंट होगा, आप अपने शोल्डर लेवल से नीचे करके ये आपका राइजर ट्रेन हो सकता। तो आज का वर्कआउट हमारा इतना ही था, तो कुछ अनप्लान था, प्लान नहीं बनाया था कि वीडियो बनाएंगे। चलो आज इतनी एक्सरसाइज इतनी बना ली हमने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सारी जो स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होती है, बिगिनर के लिए कौन सा वर्कआउट होता है, तो वो सारा हम डिटेल में उस टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आर्म रेसलिंग की जो भी रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है, बेसिक आपको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी सारे इक्विपमेंट है उसके सारे हम वीडियो बनाए। जो भी आप आर्म रेसलिंग का इक्विपमेंट लेना चाहता है वो आर्म रेसलिंग उनसे बात करें, उनसे ले लें।